महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दक्षिण पश्चिम नागपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही पूर्व नागपुर से कृष्णा खोपड़े और दक्षिण नागपुर से मोहन मती ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से इस दौरान भव्य शक्ति प्रदर्शन करते हुए संविधान चौक से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जो भाजपा के प्रति जनता का समर्थन दिखाने का संकेत माना जा रहा है। भाव क्या बोलूँगी, आज जनता ने पार्टी ने फिर से आपके ऊपर भरोसा दिखाया, एक बार सीट दी है क्या? पार्टी के नेतृत्व ने मैं फिर से मुझ पर पूर्व नागपुर की जवाबदारी दिया है और हम विकास के माध्यम से जनता के सामने जाते हैं, हर चुनाव विकास के माध्यम से लड़ते हैं और इसीलिए आपने पूर्व नागपुर देखा होगा कि पूर्व नागपुर का चित्र बदलने का काम हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है और इसीलिए पार्टी ने फिर से मुझे विश्वास दिया है और इसलिए मैं अपने नेता नितिन जी गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े जी का मनोपूर्वक आभार मानता हूँ और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नागपुर में झंडा गड़ेगा। इस बार क्या एक नया एजेंडा लेकर के बीजेपी चल रही है? हमारा हर समय का एजेंडा यानी डेवलपमेंट का ही एजेंडा रहता, विकास का ही एजेंडा रहता। शायद आपने पूर्व नागपुर 10 साल पहले का पूर्व नागपुर देखा होगा और 10 साल के बाद का पूर्व नागपुर देखा, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल यहाँ पर राज किया, 50 साल में पूरा पूर्व नागपुर को अंधकार में रखा और जबकि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को संधि मिली 2014 से 2019 और ये 2 साल 7 साल के अंदर हमने पूर्व नागपुर का चित्र डेवलपमेंट के माध्यम से बदला, ये जनता देख रही है और जनता को मालूम है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे पे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जा। सर 23 सीटों पर आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा। सर 23 सीटों के ऊपर का अभी भी विवाद चल रहा है। अभी यार एक फोन हल्का वो मैडम दीदी देखो कि वो मैडम सर 23 सीटांवर अजूनही विवाद सुरू आहे महायुतीमध्ये अजूनही 23 सीटांवरती विवाद सुरू आहे, हा तिढा कधी लाडक्या बहिणी अरे यार काय मस्करी करे तुमच्या मस्करी पूर्ण माझ्या मस्करी या ठिकाणी धूम म्हणून प्रेम देता आहे वगैरे काही नाही। आता आम्ही नवाब मलिक हात हे खरं असतं, तुम्ही मनाने कादंबऱ्या लिहिल्या ती डायरी होत नाही, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात काय लिहिलंय हे महत्त्वाचं असतं, आदेश तुम्हाला पुरवतो ते वाचून बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात। माझे मित्र आहेत नाहीतर त्या कुठल्या सर्कस मधल्या तुम्ही सांगितलं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर। Cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome.